आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। बहरिया कोतवाल राकेश कुमार अवस्थी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सुशील कुमार सिंह पुत्र प्रमोद सिंह निवासी तुलापुर को दो मोटरसाइकिल और 315 बोर का तमंचा, दो जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। बताया जाता है कि इंस्पेक्टर बहरिया राकेश कुमार अवस्थी अपने हमराही सब इंस्पेक्टर प्रेमलाल यादव, मुंशी बहरिया थाना मुंशी सतीश द्विवेदी, कांस्टेबल राघवेंद्र कुमार छोटेलाल यादव, राम अचल यादव, यूसुफ खान, अनिरुद्ध यादव, उमेश यादव आज हमराहियों के साथ क्षेत्र भ्रमण करने निकले थे। विशेष सूत्रों से मालूम हुआ कि सुशील कुमार सिंह दो चोरी की बाइक बेचने के लिए ग्राहक के इंतजार में खड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे बहरिया कोतवाल ने सुशील कुमार को चारों तरफ से घेर लिया। जबकि तलाशी की गई तो 315 बोर का देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस, दो मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसके ऊपर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल में भेज दिया गया। लोगों का कहना है कि जब से बहरिया थाने की कुर्सी कोतवाल राकेश कुमार अवस्थी ने संभाली है, तब से बहुत हद तक अपराध में कमी आई है। यहाँ की जनता सुकून की नींद सो रही है। बहरिया में कोतवाल अवस्थी के जीप के हुटर बजते ही बड़े से बड़ा अपराधी रास्ता छोड़कर छिपते नजर आ रहा है। इलाहाबाद से राजिक की रिपोर्ट। बहरिया के तुलापुर वन का निवासी सुशील कुमार सिंह, जो मुकदमा अपराध संख्या 55/16 धारा 302-308 IPC का अपराधी है, अभी कुछ ही दिन पहले ये जेल से छूट के आया है। और जब से ये जेल से छूट के आया तो पूरे क्षेत्र में इसने आतंक मचा रखा था। शराब पी कर लोगों को मारना पीटना, लूट खसोट, इतना इसके आतंक की वजह से कोई व्यक्ति इसके खिलाफ शिकायत करने को तैयार नहीं था। कल बहरिया पुलिस द्वारा इसको एक नाजायज तमंचा, 315 बोर, दो कारतूस और दो चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियोग पर पंजीकृत होकर इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और आज इसको जेल भेजा जाएगा। आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा।